हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा फ्रैक्शंस। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ नई चीजें हमने सीखी बच्चों इसमें। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। उसके बाद बच्चों, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, कौन सी भिन्न होती हैं, ये डिस्कस किया था हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है वो कौन सी है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड जो थर्ड है स्टूडेंट, ये देखिए, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता लगती है कि यहाँ पे तीन प्रकार की भिन्न है। तीन प्रकार की भिन्न होती हैं। कौन सी होती हैं बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। तो बच्चों, ये जो भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, रिवाइज करते हैं चलिए। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो है, उसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा कि जैसे न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है। इतना क्लियर है? अब देखिए, जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा इन केस ऑफ उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स में, यू कैन सी इन द एग्जांपल्स कि न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसीलिए विषम भिन्न और उचित भिन्न, इन चीज में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। इसके बाद जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, उसमें एक तो हम होल नंबर यूज करते हैं और दूसरा हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फ्रैक्शन यूज करते हैं। दोनों को मिलके बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, जैसे ही नाम से ही आपको पता लग रहा है। अब यूज क्या है इनका, देखिए, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, उसको हम बदल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से देखी थी कि भाई हम क्या करते हैं। देखिए, एक चीज मैंने बताई थी आपको कि डिनोमिनेटर जो होता है वो हर केस में हमेशा सेम रहता है, क्लियर है? और जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर कैसे आएगा भाई, 3 और 2 को यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया 1, ये जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, और हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा आंसर, आ गया 3, और मतलब क्वेश्चन आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 1। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर होता है, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो या फिर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो इसमें भी डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। तो हम डिनोमिनेटर को पहले लिख देंगे, डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, फिर हम जाएंगे इस तरफ, चक्की इस तरफ चलती है राइट को, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल सकते हैं आप, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, फिर 3 आएगा, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाएंगे। 3 के बाद फिर आएगा 1, ठीक है, 3 के बाद फिर आ गया 1, ठीक है, 1 के बाद फिर से अगर डायरेक्शन देखी जाए तो 2 आ गया। तो इस तरह से हमारी डायरेक्शन चलती जाएगी। अब स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, जहां आपका डिनोमिनेटर हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आएगा, बस ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक बार आप रिवाइज करेंगे इसको, नोट डाउन करेंगे, फिर इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से इसको रिवाइज कीजिए ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे अब इसी के आधार पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ एक्चुअली आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए होंगे और उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए होंगे, जैसे 20/3 है,
11/5, 17/7। चलिए पहले ये तीन पार्ट हैं, इनको कीजिए। हमने किए थे एग्जाम्पल, तो उस वैसे ही जैसे वो किए थे हमने, इनको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और आंसर शेयर करेंगे स्टूडेंट। आप चैट के माध्यम से अपना आंसर बताएंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे शेयर कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो इस केस में सेम आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, यही डिनोमिनेटर होगा जो मिक्स फ्रैक्शन में भी आएगा। बाकी चीजें आपकी अपने आप हो जाएंगी, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम, पार्ट ए। यहाँ पे है 20 को 3 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा, 3 × 6 होता है 18, और 2 बच जाएगा, कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। क्लियर है? अब ये तो है रिमाइंडर, ये है क्वोशेंट, एंड ये है डिवाइजर। ये चीज आपको पता है, रिमाइंडर, क्वोशेंट, डिवाइजर, यानी ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, और ये हो गया भाजक। क्या हो गया? भाजक। अब देखिए यहाँ पे हमारे एक चीज हमें पता है, क्या पता है, कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो बिना पूछे डिनोमिनेटर आप 3 लिख दीजिए। 3 कहाँ पे है, ये रहा 3, तो हम यहाँ से चक्की शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे। 3 के बाद क्या आता है, 6, तो यहाँ से भी तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलाएंगे, तो ये आ गया 6। फिर 6 के बाद यहाँ क्या आ गया, 2, 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 6 × 2/3 आंसर आ गया। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, अब जल्दी जल्दी से हम सॉल्व करने लगेंगे सभी के सभी पार्ट्स को। बी देखिए, 11 को भाग करना है 5 से, 5 × 2 = 10, और एक शेष बच गया, तो रिमाइंडर कितना है, 5 है, सेम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 2, और आपका रिमाइंडर है 1। डिवाइजर 5 है, क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 1। तो ये इस तरह के फॉर्मेट में होगा कि भाई यहाँ तो आएगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, और ये आएगा डिवाइजर। क्लियर है? तो इसी तरह 17/7 को भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे देखिए। डिवाइड कर देंगे 17 को 7 से, 7 × 14, 3 हासिल। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 7 ही रहेगा, फिर 2 और फिर 3। बस ये आपको पता होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है। इजीली आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पार्ट सी को, तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे हम 28 को 5 से,
इंटू पांच होता है 25, तीन हासिल। तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम आएगा, ये आपको पता है, तो डिनोमिनेटर सेम आएगा। यहां से फिर हम पांच और ये तीन, क्लियर है। ये क्या हो गया, ये हो जाता है आपका डिवाइजर, ये हो जाता है कोशेंट और ये हो जाता है रिमाइंडर। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे डिवाइजर से शुरू करना है, जो कि आपका डिनोमिनेटर ही होता है। डी फॉर डिवाइजर, डी फॉर डिनोमिनेटर, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप, और बाकी के जो दो पार्ट्स हैं ये होमवर्क में करेंगे। एक जैसे से पार्ट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे तो आप इजिली कर पाएंगे होमवर्क। तो नोट डाउन कीजिए इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके छह पार्ट हैं, इनको सभी को पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि ये आपको आधे पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं, आधे पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। इसलिए अब पहले तो सब के सब पार्ट आप नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न में आपको दिया है और आपको विषम भिन्न में बदलना है। ये इस तरह से भी आ सकता था क्वेश्चन कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी आ सकता था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए, आपको बस समझ में आना चाहिए कि करना क्या है क्वेश्चन में। अब देखिए इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिए कि 7 3/4 है ना, 7 3/4 है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, बताया था मैंने डिनोमिनेटर हर एक कंडीशन में सेम रहेगा। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 × 4 और इसमें ऐड कर देंगे 3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 4 28 प्लस 3/4, ये आ गया 31/4, आपका आंसर हो गया 31/4, ये है। तो इस तरह से सारे के सारे पार्ट्स इजीली हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कीजिए और बाकी बी और सी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, साथ में करेंगे हम। और ये मैं देखिए पहले ही बता देता हूँ आपको, ये तीनों पार्ट डी ई एफ ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट बी करते हैं। अब देखिए बी पार्ट में 5 6 5 6 6/7 दिया है आपको, तो आप क्या करेंगे, 5 7 × 5 + 6/7, क्या आ जाएगा, 5 × 7 = 35 + 6/7, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 41/7।
पार्ट बी हम कर सकते हैं इजीली। अब पार्ट सी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं पार्ट सी कर देता हूँ। ये है 2 × 6 + 5 बटे 6, कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 + 5 = 17/6, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन मैंने, ये देख लीजिए, ये जो 3 पार्ट होमवर्क के लिए दिए हैं, होमवर्क में इनको भी जरूर करके लाएं। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।